नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IAS में। दोस्तों, लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। आपको इस बता दूं कि इससे पहले इंडियन पॉलिटी की जो है पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वो जाके देख लें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है समीक्षा सीरीज़ जो है वो बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं 1995 से 2019 तक के, उन सभी क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ में, जो कि इंडियन पॉलिटी और सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड हम लोग चलाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, UPSC का जो ट्रेंड रहा है वो बेसिकली हमेशा घटता बढ़ता रहा है। पॉलिटी की अगर बेसिकली हम बात करें तो ईयर वाइज अगर देखें 1996 में लगभग तो इसके 5 क्वेश्चन मिनिमम थे, और मैक्सिमम जो है 2017 में इसके 22 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 2004 में भी 22 क्वेश्चन गए हैं। तो एट एन एवरेज लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होते ही होते हैं। तो दोस्तों, हमने जो इस सीरीज़ को डिवाइड किया हुआ है बेसिकली वो इस तरीके से किया हुआ है कि हमने इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। जो 3 टॉपिक्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। इन 3 चैप्टर्स में हमने जो है ये डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा देखिए, हमने इसको बेसिक सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। हिस्टोरिकल, अब देखिए इसमें जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन वाइज, ईयर वाइज हमने 1995 से 2018 तक के क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, और अभी जो अपडेट हमने कर लिया है तो उसमें 2019 तक के पूरे क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए हैं। मगर ये जो ट्रेंड एनालिसिस है वो अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं वो केवल 2018 तक का है। तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर से 6 क्वेश्चन है, प्रीएम्बल से 4 क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से 21, DPSP से 18, फंडामेंटल ड्यूटी से लगभग 8 क्वेश्चन, पार्लियामेंट से 37, इमरजेंसी प्रोविजन से 2 और अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सबके देखिए हमने टॉपिक वाइज जो है लिस्टिंग कर दी है सब टॉपिक्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके 5 क्वेश्चन 1995 से 2018 तक के हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ फीचर, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पूछा है नॉट अ फीचर। पहला है डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस। तो दोस्तों, क्या ये सही आंसर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा है आप बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, तीसरा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, चौथा है ऑल इंडिया फेडरेशन। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये एलिमिनेट हो जाता है, क्यों ये आगे जानते हैं। मगर इससे पहले आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आगे हम आपको आंसर इसका दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है, मैं जो आपको बता रहा था, हिंट मैंने आपको दे दिया था, डायरेक्टली एट द सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंस। तो ये किससे आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई थी। तो देखिए, आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में। उससे पहले इसी एक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, डायरकी से रिलेटेड, जो UPSC ने 2017 में पूछा था। जैसे कि हम बार बार कहते हैं, UPSC जो है अपने क्वेश्चंस को जो है लगातार पूछते रहती है। मींस जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है UPSC का वो रिवॉल्व करता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अराउंड। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप बेसिकली समझ जाएं कि UPSC किस क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन पूछ गया, आप उस पर फोकस करके अगर आप टारगेटेड करें तो जो है आपके लिए UPSC क्वालिफाई करना जो है बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है उसी का नाम रखा है समीक्षा। तो समीक्षा सीरीज़ बेसिकली दोस्तों इसीलिए आधारित है कि हम आपको ये समीक्षा करके दे देंगे कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो एक तरीके से आप हर सब्जेक्ट में PhD हो जाएंगे, तो जो आपको नहीं करना है। तो आइए, ये क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो डायरकी किससे रेफर करता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इन टू हाउसेज, देखिए ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, दैट इज लंडन एंड अनदर इन दिल्ली। चौथा है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इन टू कैटेगरीज। दोस्तों, इसका आप जो है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इसका आगे मैं सोल्यूशन जरूर दूंगा। आपको 5 सेकेंड आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आइए, ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि ये एक तरीके से UPSC के लिए आप एक तरीके से ईमानदारी से एग्ज़ाम दे रहे हैं।
तो आइए आगे इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों डी। तो दोस्तों इसका जो बेसिक था डी ऑप्शन क्या है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इन टू कैटेगरीज, ये इसका डायरेक्टी का मतलब था। तो आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में बेसिकली क्या क्या प्रोविज़न ऐड किए गए। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था दोस्तों, वो लाया जाता है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो इसे मॉनफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि MONFORD, मॉनफोर्ड रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है। और बेसिकली ये जो एक्ट होता है दोस्तों, ये एनेक्ट तो 1919 में हो जाता है, मगर ये एक्ट जो होता है कब से फोर्स में आता है, ये एक्ट फोर्स में आता है 1921 से। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेंट्रल का पावर होता है वो रिलैक्स किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो है डिमार्केट कर दिया जाता है। इसके अलावा देखिए जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है ट्रांसफर्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं वो गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जिसमें कि वो उसको मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस जो होती है वो कंपलसरी होती है। और जो है ये जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए सीधे सीधे ये लिंक होता है आज के गवर्नेंस सिस्टम से, जहाँ पे कि गवर्नर होता है जो कि एड एंड एडवाइस से काम करता है किसके, मिनिस्टर से। और सेंट्रल लेवल पे PM जो होते हैं वो किसकी एड एंड एडवाइस, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसकी एड एंड एडवाइस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए सीधे सीधे लिंक हो रहा है, सीधे UPSC से घुमाकर क्वेश्चन कर रही है। इसके अलावा देखिए रिजर्व सब्जेक्ट एक हाथ में, उसके अलावा देखिए जो कि गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाएंगे, दो तरीके के सब्जेक्ट जो है इसमें डिवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस जो है, जो कि नोन एज डायरकी, ये भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों, इसका नाम जो है डबल रूल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो गवर्नमेंट हैं, एक सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पे क्या है, दो प्रकार की सरकारें हैं, जहाँ पे USA में जो है स्टेट लेवल पे अलग है और सेंट्रल लेवल पे, और इसी को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी कहा गया है। मगर दोस्तों इंडिया में जो है, जैसे कई पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट जो है इसे क्वासी फेडरल स्टेट कहते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था कि इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्वासी फेडरल स्टेट है, ऐसा किसने कहा था। इसके अलावा देखिए जो आगे के प्रोविजन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के, वो क्या है दोस्तों, वो ये हैं कि इसने जो है पहली बार बाइकैमरियलिज्म को जो है इनेक्ट किया। बाइकैमरियलिज्म का मतलब कि दो हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस। इसके अलावा देखिए डायरेक्ट इलेक्शन की जो है बात इसमें पहली बार की गई। इसके अलावा देखिए जो इसमें वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 6 में से 3 मेंबर को जो है डायरेक्ट इलेक्शन की तरीके से जो है चुनने की बात इसमें की गई, और इसमें जो है कमांडर इन चीफ को भी जो है इंडियन बनाया गया। इसके अलावा देखिए इसमें इसने जो है लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को जो है फ्रेंचाइज भी दी। फ्रेंचाइज का मतलब जो वोटिंग राइट्स हैं वो दिए किसको, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। देखिए यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई, और इंडिपेंडेंस के बाद भी यह सवाल बना हुआ था क्या हमें जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को दे देनी चाहिए या फिर जो है इस पे वेट करना चाहिए। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद जो है इसे ये किया गया कि हम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे और लोगों को अपने लोगों का अधिकार चुनने का जो है वो देंगे। मगर दोस्तों इसके जो एक और बुरा प्रोविज़न था वो ये था कि इसने जो है दोस्तों बेसिकली क्या किया, इसने जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया, सिख इंडियन एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 जो कि आया था मोरले मिंटो के द्वारा, और मिंटो को जो कि कहा भी जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये आपका प्रीलिम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो दोस्तों आपका इसका आंसर है मिंटो। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके अलावा देखिए एक नया ऑफिस बनाया जाता है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लंदन में, जो कि ट्रांसफ़र करेगा
जिसको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो भी फंक्शन थे वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, पहली बार ऐसा होता है कि सेंट्रल और स्टेट बजट को जो है अलग अलग किया जाता है। दोस्तों वर्तमान में जो स्थिति है वही सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए 1919 ला रहा है, तो इसीलिए यूपीएससी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर जो है फोकस कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए कि बेसिकली वो क्वेश्चन पूछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो आज की जो राजव्यवस्था है, आज की जो स्ट्रक्चर है उससे कहीं ना कहीं लिंक है, इसीलिए यूपीएससी वहाँ से सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसी बात की समीक्षा, ये समीक्षा सीरीज कर रही है। तो ये सीरीज आपके लिए वास्तव में पाथ ब्रेकिंग सीरीज है, आप इसको पूरा देखिएगा, आगे की सीरीज भी, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2012 में यूपीएससी पूछती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइड इन। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, तो जल्दी से बताइए 1909, 1919, 1935 या फिर 1947। तो दोस्तों ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो आप सोचिए इस बारे में क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो कमेंट सेक्शन में आपने ये आंसर कमेंट करके लिखा होगा, मुझे पूरी आशा है। तो आइए इसका जो है सॉल्यूशन जानते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो उसने पहली बार जो है दोस्तों क्या किया, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट किया। दोस्तों इसमें बेसिकली क्या था कि जो है इसमें फेडरलिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में जो है डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम थे जबकि प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम। इसके अलावा एक कंकरेंट लिस्ट भी बनाई गई जो कि 36 आइटम है। देखिए आज की राजव्यवस्था से कंपेयर कीजिए, जहाँ पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, और यहाँ पे कंपेरिजन कीजिए जो है फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है। इसीलिए यूपीएससी इसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछ रही है बार बार। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है वायसराय को रेसिडुअरी पावर दी गई, जैसे कि कई मामलों में जो है प्रेसिडेंट को जो है रेसिडुअरी पावर दी जाती हैं। इसके अलावा देखिए फेडरेशन कभी भी जो है, फेडरेशन तो बन गया यहाँ पे यूनियन और स्टेट का, मगर ये अस्तित्व में इसलिए नहीं आया है क्योंकि स्टेट ने कभी इन्हें ज्वाइन ही नहीं किया। इसके अलावा देखिए प्रोविंसेस की जो डायर की है वो जो है एबॉलिश कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश कर दी गई। इसके अलावा देखिए ये एक्ट जो है गवर्नमेंट जितनी भी प्रोविंसेस में थी उसमें जो होता है गवर्नर को जो है मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में काम करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट और वुमेन और लेबर के लिए भी जो है एक्सटेंड इस एक्ट के द्वारा कर दिया गया 1935। तो दोस्तों इसी में क्या होता है, आगे जाके जो है बीआर अंबेडकर जी से गांधी जी का कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है मांग मत कीजिए, इससे हिंदू और भी डिवाइड होगा, तो एक पूना पैक्ट साइन होता है। तो दोस्तों ये आगे की जो सीरीज है, ये जो हमारी समीक्षा सीरीज है, उस सीरीज में जो है हम आपसे ये बात करेंगे। तो आगे देखते हैं, तो इसमें जो है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बाइकैमरलिज्म जो है 11 में से 6 प्रोविंसेस में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो होते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें कि अपर और लोअर अपर हाउस होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो दोस्तों आपके लिए अभी एक क्वेश्चन और आता है कि अभी वर्तमान में कितने स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्टेंस में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों देखिए ये एक्ट भी कहीं ना कहीं आज की कंडीशन को सिग्निफाई कर रहा है, इसीलिए यूपीएससी बार बार इस पे क्वेश्चन पूछ रही है। ये समीक्षा सीरीज में इसी बात की समीक्षा कर रहे हैं कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ क्यों रही है। बेसिकली ये आज की चीजों से लिंक है, इसीलिए यूपीएससी इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछते रहती है और आगे भी पूछेगी, क्योंकि ये जो है गवर्नेंस का सिस्टम जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इन एक्ट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसके अलावा देखिए जो फ्रेंचाइज पिछले एक्ट में दी गई थी उसे और बढ़ाया गया, 10% पॉपुलेशन को दे दिया गया वोटिंग राइट। इसके अलावा देखिए फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया,
1937 में, रिजर्व बैंक आ जाता है 1935 में, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था तो 1935 में जो है रिजर्व बैंक का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मगर फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट आया 1937 में। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ के देखिए इसमें क्या हुआ, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई, यानी कि किस किस की इस्टेब्लिशमेंट की गई, यूपीएससी की इस्टेब्लिशमेंट की गई, यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस की जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई, और जॉइंट पब्लिक कमीशन का जो काम है वो भी यूपीएससी यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यूपीएससी ने फेवरेट इसीलिए हो गया क्योंकि खुद यूपीएससी इससे बनाया। इसके अलावा देखिए फेडरल कोर्ट और जितनी इंपॉर्टेंट बॉडीज हमारी आज की देश में हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हैं, तो यूपीएससी इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछ रही है बार बार। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़िएगा, स्थापना ये जो हमारी सीरीज है ये समीक्षा सीरीज आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि हम इनमें यही समीक्षा आपके लिए बार बार कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इंटरिम गवर्नमेंट की जब हम पे एक क्वेश्चन था 1995 में, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी बार बार अपने क्वेश्चनों को जो है इन कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द पूछती है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज, तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, सी राजगोपाली थे, राजगोपालाचारी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों आप आंसर बताइए, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए, तो इसका आंसर है ए। तो इसमें इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी, जो कि न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जो है बनी थी, तो इसके ही हाथों में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दामोदार था। तो ये 15 अगस्त 1947 जो था वो इंडिया की इंडिपेंडेंस की डेट थी। तो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना दिया गया इंटरिम गवर्नमेंट का, जो कि पहले तो हेड की गई थी वाइसराय ऑफ इंडिया के द्वारा, बाद में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में जो है वाइसराय ऑफ इंडिया को काम करना था और सारी पावर जो है ट्रांसफर कर दी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इसके अलावा देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल जो थी उसकी जो पोजीशन थी वो कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ले ली गई थी, और जो जवाहरलाल नेहरू के अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो जो थे सबसे मोस्ट सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन थे, जो कि उस टाइम हेड कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसके नोट्स साथ साथ बना लीजिए। आइए आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2005 में पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आप ये बताइए, बी आर अम्बेडकर जी हैं, जे आर कृपलानी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अलाई कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आइए सीधे सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड थे, तो उसके लिए जो है वो की गई थी। इसमें जो मेजर कमेटी थी वो 8 मेजर कमेटीज थी दोस्तों, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके अलावा देखिए रोल प्रोसीजर कमेटी, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट और स्टीयरिंग कमेटी। तो दोस्तों जो यूनियन पावर कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो भी जवाहरलाल नेहरू, जो भी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी यूनियन लेवल की वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। इसके अलावा देखिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरमैन थे, वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ये जो थे ये भी सरदार पटेल के पास थे। इसके अलावा देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे रूल एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरपर्सन थे, वहीं जवाहरलाल नेहरू के पास स्टेट्स कमेटी भी थी और स्टीयरिंग कमेटी जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए हमारी शॉर्ट वीडियोस की जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीवियस ईयर जो है प्रीलिम्स का जो है रिवीजन सीरीज हम लोग जो है जल्दी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ये जो है समीक्षा सीरीज के अलावा जो है आपसे जितने भी टॉपिक आपके अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं तो वह हम लेके आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए मिशन 2020 करके प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमारा जो है चला हुआ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में, इंग्लिश मीडियम में हम ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ डाल चुके हैं, हिंदी मीडियम के लिए आपके प्रीलिम्स से पहले पहले फरवरी में ये वीडियोज़ लॉन्च
करूँगी। तो दोस्तों ये वीडियो जो हैं मुझे लगता है कि जो आपका हमारा नारा है अब की बार प्रीलिम्स पार, तो दोस्तों अब की बार हम सब जो है आप लोग प्रीलिम्स पार करके जो है यूपीएससी की जो है हर्डल उसको क्रॉस करके आप लोग जो है आईएएस बन रहे हैं। सभी को जो है एडवांस में शुभकामनाएं। इस समीक्षा सीरीज़ से मुझे लगता है आप निश्चित तौर पे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने कंटेंट को हम कैसे और सुधार सकते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो अगर लाइक कर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है उसको हम सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। बने रहिए आप आईएएस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।